देन डे टू पे व्हाट वी विल बी लर्निंग, देखिए जो क्रिस्टल है इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर हम लोग क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हैं तो क्रिस्टल के साथ हीलिंग कर रहे हैं तो हम अर्थ की हीलिंग भी कर रहे हैं और कलेक्टिव हीलिंग कर रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए, जब तक हम कलेक्टिव हीलिंग नहीं करेंगे हम भी खुद हील नहीं हो सकते। जिन लोगों को भी अपनी हीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अभी तक सिर्फ अपने तक सीमित है। अब हमें पूरी कलेक्टिव अर्थ की हीलिंग करनी पड़ेगी। आप ये देखेंगे अर्थ की कलेक्टिव हीलिंग करेंगे तो आपकी सबसे पहले हीलिंग होगी। तो वी विल लर्न टू डू दैट अर्थ हीलिंग थ्रू क्रिस्टल्स, ठीक है। फिर जब हमने सेक्रेट ज्योमेट्री सीखी एडवांस कोर्स में, अब हम उसको और हायर वर्जन करेंगे सेक्रेट ज्योमेट्री के साथ क्रिस्टल मेडिटेशंस एंड क्रिस्टल हीलिंग। हमें जो इफेक्ट चाहिए अपनी लाइफ में या आप अपने किसी क्लाइंट की लाइफ में या कोई भी इश्यू है, सेक्रेट ज्योमेट्री से उसको कैसे हमें देखना है, ठीक है। फिर क्रिस्टल विजुअलाइजेशन, अब हमने हमेशा बात की कि क्रिस्टल जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में हो, लेकिन क्रिस्टल्स जब हाथ में नहीं होते हम विजुअलाइज करके जो हीलिंग करते हैं कौन लोग कर सकते हैं, जो बहुत हायर वर्जन पे होते हैं उनके पास जितनी पोटेंशियल्स होती है। अब आप इस कोर्स में वो पोटेंशियल्स लेना सीखेंगे, आप जानेंगे कि अपने आप वो पोटेंशियल्स कैसे लानी है, कि अगर आपके पास बाय चांस कोई क्रिस्टल नहीं है तो उसको कैसे विजुअलाइज करना है, उसकी एनर्जी कैसे अपने पास लेकर आनी है, ठीक है। फिर उसके